खबर ग्वालियर से है, जहां रिटायर्ड डीएसपी से मकान नामांतरण के लिए रिश्वत मांगना नगर निगम की टीसी और उसके सहायक को महंगा पड़ गया। शुक्रवार दोपहर रिटायर्ड डीएसपी ने रिश्वत के 2000 टैक्स कलेक्टर को दिए और जैसे ही रिश्वत उसने जेब में रखी, लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने उसके सहायक को भी हिरासत में लिया है। रिश्वत के रुपए निगरानी में लेकर मौके पर ही केमिकल लगाकर आरोपी टीसी के हाथ रंगाए गए। घटना लूटपुरा में नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 3 की है। करीब 3 महीने से आरोपी पीड़ित को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त एसपी से संपर्क कर शिकायत की। शहर के भिंड रोड दीनदयाल नगर निवासी 71 वर्षीय भगवान दास पुत्र हीरालाल पंत पुलिस विभाग से रिटायर्ड डीएसपी हैं। कुछ समय तक वह लोकायुक्त में भी पदस्थ रहे हैं। रिटायर्ड डीएसपी पंत ने अभी हाल ही में सागरताल रोड पर एक मकान लिया है, जिसका नामांतरण उन्हें कराना था। इसके लिए नगर निगम में उन्होंने आवेदन किया था। वहां उन्होंने अपनी पहचान बताई तो अफसरों ने मौखिक निवेदन पर ही नामांतरण कर फाइल को आगे बढ़ा दिया। नगर निगम हेड ऑफिस से यह फाइल अब संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 3 लूटपुरा ग्वालियर जानी थी। जब फरियादी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे तो यहां टीसी गोपाल सक्सेना और उसका सहायक रोहित कुमार ने रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत से रिश्वत मांगी। वह हेड ऑफिस से फाइल उठाकर प्रॉपर्टी को उनके नाम पर चढ़ाने के बदले 3000 रुपए मांग रहे थे। सितंबर 2022 से फाइल को अटकाए हुए थे। लगातार परेशान होने के बाद भगवान दास ने मामले की शिकायत एसपी लोकायुक्त से की थी। नगर निगम का टीसी और उसके सहायक ने मकान के नामांतरण के लिए रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत से 3000 रुपए मांगे थे। 1000 रुपए वह पहले ले चुका था। अब शुक्रवार को फरियादी 2000 रुपए लेकर पहुंचा था, लेकिन इस बार लोकायुक्त की टीम पहले से ही नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद थी। उसने जैसे ही टैक्स कलेक्टर को 2000 रुपए दिए और टीसी ने रिश्वत के रुपए अपनी शर्ट की जेब में रखे, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी टीसी गोपाल सक्सेना के साथ सहायक रोहित कुमार भी पकड़ा गया। फरियादी रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत का कहना है कि वह पुलिस विभाग से रिटायर्ड है। वह पुलिस के अलावा लोकायुक्त में भी रहा है। जब उन्होंने टैक्स कलेक्टर को अपने बारे में बताया तो भी वह नहीं माना। उसको तो बस रिश्वत चाहिए थी। पीड़ित ने कहा कि वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था, तभी उसने मन ही मन भ्रष्ट टीसी को सबक सिखाने का संकल्प लिया और लोकायुक्त कार्यालय पहुंच गया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर भरत किरार ने बताया कि फरियादी ने शिकायत की थी, जिसके बाद मामले को जांच में लिया गया। नगर निगम में टैक्स कलेक्टर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन वो कागज यहाँ इनको लाना था वहाँ से, क्योंकि फाइल हमारे हाथ में तो देते नहीं। इनसे मैंने कहा जी लाए भी नहीं यहाँ, 3000 रुपया इन्होंने मांगे, तो 3000 इसकी हमने शिकायत की। अब नामांतरण उनके बाद अभी तक यहाँ पर 2-3 बार आए, बार बार आने के बाद भी जो यहाँ के कर संग्रहक हैं श्री गोपाल सक्सेना और उनके जो सहायक हैं रोहित कुमार गंगोत्री जी, तो उनके द्वारा बार बार उनसे 3000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई। इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की गई। लोकायुक्त टीम द्वारा विधिवत उसकी कार्रवाई कर किया जाकर आरोपी को आए रिश्वत 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।